हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज स्कूल जा रही हूँ वेमो के, थोड़ा जल्दी जा रही हूँ क्योंकि मेरे वेमो की तबीयत ठीक नहीं है। वेमो की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए पांडे जी भी थोड़ा लेट ऑफिस जाएंगे। उसको हम लोग लेने जा रहे हैं, वहाँ से वेमो को लेंगे तो वेदू तो मेरे रुकेंगे ही नहीं, इसलिए दोनों भाइयों को लूँगी और वहाँ से पहले मैं उन लोग को डॉक्टर के पास लेके जाऊँगी क्योंकि वेमो मेरा उसको अच्छा नहीं लग रहा है, तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तो इसलिए पहले उसको जाऊंगी डॉक्टर के पास, चेकअप कराऊंगी, दवाई ववाई वगैरह दूंगी और फिर वो कल जैसा रहेगा वैसा स्कूल जाएगा, वरना मुझे उसका स्कूल स्किप करना पड़ेगा कल का। तो आज हम लोग चलते हैं वेमो के स्कूल। बच्चों को लेने के लिए हम लोग स्कूल के लिए निकल चुके थे और स्कूल में जाते हुए रास्ते से हम लोग निकल रहे थे और मैं रास्ते पर बहुत परेशान थी। पांडे जी बोल रहे थे कि तुम टेंशन मत लो, लेकिन मेरे को पता नहीं कितना ज़्यादा टेंशन हो रहा था कि पता नहीं वेमो की तबीयत कैसी होगी, क्या निकलेगा, कहीं चिकन पॉक्स तो नहीं है। हम लोग बच्चों के स्कूल पहुँचे और स्कूल जब पहुँचे तो वहाँ मैं बोले कि मुझे बच्चों को लेके जाना है और वेमो मेरे बाहर आते हैं और इतना खुश कि मैं क्या बोलूँ। वेमो पहले तो यकीन नहीं हुआ कि मम्मा डैडी लेने आए हैं क्योंकि ये दोनों भाई वैन से आते हैं अब, तो ये बहुत खुश हो गया, बहुत ज़्यादा खुश। इस मतलब ये इतना खुश हो गया देख के डैडी को कि लेने आए हैं। एक्साइटमेंट में ये हंसे जा रहा था और दौड़ के गया तो डैडी की गोदी में चला गया और खेलने लगा इधर उधर। उसके बाद हम वेदू का नंबर आता है, वेदू आते हैं विदाउट शूज़ विदाउट सॉक्स। मैं पूछी कि ये ऐसे क्यों आ रहा है, तो बोले मैम ये वॉशरूम में था तो इसका हम लोग सब निकाल के लेके गए थे और ये आए और ये शूज़ पहनने में तो इनकी हालत ख़राब हो रही थी कि कहीं कोई चला ना जाए मेरे को छोड़ के। और ये लोग निकल के बाहर, जो बच्चों निकलते हैं तो वहाँ पे खेलने नहीं दिया जाता है इतना, क्योंकि सब वहाँ के पेरेंट्स आ जाते हैं, अगर सारे बच्चों को खेलने देंगे तो बच्चे जाने में फिर परेशान करते हैं। तो ये लोग को टाइम मिल गया और ये लोग लगे खेलने दोनों भाई, और इतना ज़्यादा ये लोग स्लाइड वगैरह करने, पूरा कपड़ा वगैरह गंदा कर लिए, बार बार बोल रहे थे चलो चलो तो सुन नहीं रहे हैं, फिर ज़बरदस्ती पकड़ के ले जाना पड़ा। जैसे ही हम लोग डॉक्टर के पास पहुँचते हैं तो वहाँ पे काउंटर पे वो बैठी रहती है, जो इन दीदी रहती है नेहा नाम की है, वो बैठी रहती है, उसको ये लोग परेशान करती है। वो पहले अपना फॉर्मेलिटीज़ पूरा करवाई, एड्रेस वगैरह नाम बच्चे का जो भी था वो सब लिखवाने के बाद, और हम बोलती है कि आप एक एक करके बच्चों का वेट देख लीजिए कि कितना है कितना। उसको पहले लगा कि दोनों का कराना है, तो मैं तो वेमो का कराने के लेके गई थी और वेमो अपना वेट कर रहे थे कि वेमो से पहले दौड़ दौड़ के वेदू करने लगे। पहले वो डरे लेकिन बाद में ये लोग उसी से खेलने लगे। मैं मना कर रही हूँ बार बार कि मत करो मत करो, लेकिन वेदू मान ही नहीं रहा है और बार 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 दौड़ दौड़ के ये वहाँ पे बच्चों के टॉयज़ रखे रहते हैं क्योंकि वो बच्चों की डॉक्टर है तो वो सब देखने के लिए। और वेमो हर जगह दौड़ दौड़ के क्या लिखा है ये पढ़ रहे हैं, वो एकदम छोटे बच्चों के लिए वेट नापने वाला था उसमें ये देखने लगे। अंदर कुछ लोग थे तो इन लोग से रहा नहीं जा रहा था, ये लोग बार बार झांकने जा रहे थे और वेदू उसको पढ़ पढ़ के अपना वेट नाप रहा है, बार बार छलांग मार रहा है उस पर। मैं बोली मत करो तो नहीं मान रहा था, और एक बार नहीं बार बार दौड़ के उसमें आ रहा, पहले उतर के जाए और फिर आ जाए और फिर दोनों भाई आ जाए बीच बीच में, और वो भी मना कर रहे, बोल रही खेलने दीजिए क्या करूँ। और एक साइड में अलग से चेयर रखी थी तो उसमें पूरा यहाँ से वहाँ तक रैंप वॉक कर रहा है और साइड में मेरे को लगा गिर जाएगा, लेकिन वो धीरे धीरे अपना कर ले रहा था। बात तो मान ही नहीं रहे थे, मैं क्या बोलूँ उनको इतना मना करने के बाद। और ये लोग डॉक्टर के कैबिन में घुस गए, मैं ले जाने लगी तो डॉक्टर क्या बोलते, छोड़ो मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ दोनों को। वो बोलती है इसका थर्मामीटर ले लिया डॉक्टर, तो वेमो बोले यही मेरे काम करता है बाकी सब खराब है, तुम मेरा ये दे दो। और ये बोल रहा है कि अब उसमें जो जो लिख रहा है उसमें पढ़ रहा है। डॉक्टर बात कर रही थी कि ये हाँ बहुत शार्प है लेकिन इसको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और वो देखी, इनका चेकअप वगैरह भी की, देखी कि कैसा है क्या नहीं है। मैं डर रही थी कि चिकन पॉक्स तो नहीं है, तो वो बोली नहीं ये चित्ती है, चिकन पॉक्स नहीं है। और बाहर से हम लोग निकल आए उसके बाद, और ये जाने का नाम ही नहीं ले रहे, दौड़े जा रहे कॉरिडोर में। उसके बाद पांडे जी पहुँचते हैं मेडिकल शॉप में, अपना दिखाते हैं और वहाँ से लेते हैं दवाइयाँ वगैरह। दवाइयाँ लेने के बाद हम लोग को निकलना था जल्दी घर क्योंकि पांडे जी को भी लेट हो रहा था और उतना दूर जाना था उनको ऑफिस, लेकिन बच्चे गाड़ी में रोने लगे। तो फिर फटाफट वो आए
और फिर हम लोग घर के लिए निकलने लगे। घर जाते समय ही बच्चे रोना स्टार्ट कर दिए। मैं बच्चों को लेके घर आ चुकी हूँ, जिसमें मेरे बच्चे रोना स्टार्ट कर दिए हैं और मैं थक भी चुकी हूँ काफ़ी, और ये लोग भी थक गए हैं। तो जैसा मैं सोच रही थी ऐसा कुछ भी नहीं था, तो फाइनली सब अच्छा है, दोनों मेरे अच्छे हैं। तो उनको लेके आने के बाद तो सब अच्छा है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।